दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के बारे में। दोस्तों ये एक ऐसी मशीन है जो एटमॉस्फेयर में हमारी एयर में जो 21% ऑक्सीजन होती है उसको मोर देन 90% करके देती है, क्योंकि जो 21% ऑक्सीजन होती है और बाकी जो है तो 78% नाइट्रोजन होती है, अदर गैसेस होती है, तो उन सारी गैसेस से जो 21% एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है उसको कॉन्सेंट्रेट करके मोर देन 90% ये मशीन करती है, इसीलिए इसका नाम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी है। तो दोस्तों जान लेते हैं कि कैसे इसको ऑपरेट करें। तो इसको चलाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है पावर की, इलेक्ट्रिसिटी की, तो हम कर लेते हैं यहाँ से बटन को सॉकेट से ऑन। अब इसका हम जो मेन पावर बटन है उसको भी हमें ऑन करना होगा। अब जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे ये थोड़ा आवाज़ करना शुरू करेगी। अब ये थोड़ा सा जैसे ऑक्सीजन 90% तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लेती है, तो ये क्या करेगी एटमॉस्फेयर से, जैसे मैंने बताया ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर की जो गैसेस हैं उससे ऑक्सीजन को जो है तो सेपरेट करेगी और कॉन्सेंट्रेट करेगी और यहाँ से जो है तो उसको आउटपुट निकालेगी, इस पाइप से जो है तो आउटपुट निकालेगी। और ये इस मशीन का ह्यूमिडिफायर है, इसमें जो है तो हम लोग वाटर पानी डालते हैं, ठीक है, जैसे कि इसमें मार्क भी लगे हुए हैं मैक्सिमम वाटर मिनिमम वाटर, तो हमें मैक्सिमम से नीचे जो है तो इसमें वाटर डालना होता है जो कि उस ड्राई ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाई करता है, ठीक है। और यहाँ पर ये आउटलेट होती है, यहाँ पर हमने फिर जो पेशेंट को जो हमने लगाना होता है जैसे नेजल कैनोला हो चाहे मास्क हो, तो फिर यहाँ हमने इसको कनेक्ट करना होता है। तो इस नेजल कैनोला का जो है तो एक ये पेशेंट वाला एंड होता है और दूसरा जो है तो ये मशीन वाला या ऑक्सीजन सिलेंडर वाला एंड होता है, तो यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देंगे। और ये जो बाकी यहाँ से जैसे ये पेशेंट वाला एंड है इसको, ये नेजल कैनोला है तो पेशेंट के नाक में ये लगता है, ठीक है, और ये ज़्यादा बेटर रहता है ऑक्सीजन लगाने के लिए पेशेंट को, ठीक है। तो इसको भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं कैसे लगाते हैं। इसका जो देखिए ऐसा पोर्शन होता है इसको हम बाहर की तरफ को रखेंगे और ऐसे ये जो दो इसकी नलियां हैं इसको नाक के अंदर ऐसे लगा के और इन दोनों पाइप्स को कान के पीछे से करके यहाँ पे हमारा एक थोड़ा सा जैसे इसको फिक्सर होगा, ये देखो ये थोड़ा सा टाइट करने वाला होगा, यहाँ से इसको हम थोड़ा सा फिक्स कर देंगे, ठीक है। ये हमारा जो है तो अब स्टार्ट होगी ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब आगे हम इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि कैसे कैसे और भी हम इस मशीन में जो है तो एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। देखिए ये इसकी जो है तो एडजस्टमेंट नॉब है, इससे हम कितने लीटर पर मिनट जो है तो हमने पेशेंट को देनी है, तो अगर हमने जैसे ज़्यादा बढ़ानी है तो हम इसको प्लस की तरफ को घुमाएंगे। अब देखिए आप देख पा रहे होंगे काला सा बॉल है अंदर, ये जैसे कैसे अप जा रहा है, अगर हम प्लस की तरफ घुमा रहे हैं तो ये अप जा रहा है, अगर हम माइनस की तरफ घुमा रहे हैं तो नीचे जा रहा है। तीन जैसे जो भी यहाँ पे मार्किंग है मतलब जितनी मार्किंग पे ये पहुँच रहा है उतने लीटर पर मिनट ये पेशेंट को ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी एडजस्टमेंट नॉब। इसके साथ साथ दोस्तों इस मशीन में जो है तो नेबुलाइजेशन की भी नॉब है, तो ये जो है तो पेशेंट को नेबुलाइजेशन भी कर सकती है। तो इसमें जो नेबुलाइजेशन मास्क होता है वो यहाँ पे अटैच होता है जैसे ये चीज़ है, ठीक है, और यहाँ से जो है तो हम जस्ट इस नेबुलाइज बटन को जो है तो टच कर देते हैं और यहाँ से जो है तो ये अब तेज हवा आना शुरू हो जाती है जो कि फिर जिसमें जैसे वो आगे मास्क अलग तरह का होता है उसमें हम मेडिसिन डालते हैं और मेडिसिन का वो स्टीम बना देती है ये जो नेबुलाइजेशन वाली इसका जो यूनिट है, ठीक है। तो ये डबल यूनिट है, ऑक्सीजन भी देता है नेबुलाइजेशन भी ये करता है। तो फिलहाल हम नेबुलाइजेशन को बंद कर लेते हैं। इसके साथ साथ जो है तो ये ऑक्सीजन बताता भी है, अगर हम जैसे इस ऑक्सीजन वाले बटन को जो है तो थोड़ी देर के लिए टच करके रखें तो ये बताता है कि मैं कितनी परसेंट जो है तो ऑक्सीजन दे रहा हूँ आपके पेशेंट को। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हमें इसको टच करके रखना होगा और ये देखिए ये थोड़ी देर में अभी बताएगा कि कितनी ऑक्सीजन दे रहा है। ये देखिए 86% 84% ये बता रहा है, ठीक है, ये लाइव बता रहा है कि मैं कितनी परसेंट, जैसे मैंने बताया कि मोर देन 90% देता है, जैसे अभी थोड़ा रीस्टार्ट हुआ है तो थोड़ा सा ये टाइम लेता है 90% तक पहुंचने में, पर मोर देन 90% जो है तो ये कॉन्सेंट्रेटर हमारा ऑक्सीजन देता है। इसको लेके भी बहुत सारे लोगों में डाउट रहता है कि ये मशीन जो है तो ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं देती है, कई बार थोड़ी ख़राब हो गई होती है और ये जो है तो 50% 60% 70% इतनी ही ऑक्सीजन देती है। तो इसलिए मैंने आपको ये बटन बताया, इसका जो इसका ऑक्सीजन वाला बटन है इसको जस्ट आपने होल्ड करके रखना है, ये खुद लाइव बताता है। और अगर आपको इस चीज़ पे भी भरोसा नहीं है तो आपको मैं देखिए लाइव प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि कैसे आपने इसको टेस्ट करना है। तो उसके लिए आपको एक मैच बॉक्स लेनी होगी, बच्चे इसको ट्राई ना करें प्लीज़, क्योंकि ऑक्सीजन आपको पता है कि जलने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, तो जैसे बड़ी तेज़ जल सकती है। तो हमने जो है तो माचिस
कि तिली को जला लेना है, हमने जला लिया, ठीक है। तो अब ये जली हुई तिली है, हमने इसको बुझा लेना है, बुझ गई, अब हमने इसको यहाँ पे रखना है आगे। देखिए बुझी हुई तिल्ली जो है तो जल गई, ये देखिए फिर बुझा देता हूँ, ये देखो इसको हमने यहाँ रखा, बुझी हुई तिल्ली जल गई। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये काफ़ी अच्छी जो है तो हमारा कॉन्सेंट्रेटर जो है तो ऑक्सीजन दे रहा है, जबकि हम इसको ह्यूमिडिफाइड इससे देख रहे हैं। अगर हम इसको बिल्कुल ड्राई ऑक्सीजन लेंगे तो ये और अच्छे से जलेगी और तेज़ी से जलेगी। देखो बुझा हुआ जो है, बुझा हुआ माचिस की तिल्ली देखिए जल जा रही है बिल्कुल इससे। तो यहाँ से पता चल रहा है कि काफ़ी अच्छा ये कॉन्सेंट्रेटर हमारा काम कर रहा है, और मतलब जितनी ये डिस्प्ले में बता रहा है मोर देन 90% ये ऑक्सीजन दे रहा है।